कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा साहब ने कार्यभार संभाल लिया है, मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने उनको कार्यभार संभलवाया। डांडा साहब क्या कुछ कहेंगे, सर आपने कार्यभार संभाला है, किस तरीके से प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? भाई प्राथमिकताएं अभी कुछ नहीं तय कर सकता मैं, देखिए पहले हम लोगों को कुछ डिपार्टमेंट मिले, डिपार्टमेंट मिलने के बाद उसमें क्या प्रायोरिटी पर करने लायक है पहले उसको करेंगे। पंचायत मंत्री थे उससे पहले सरपंच नाराज रहते थे, आपके आने के बाद सरपंचों की नाराजगी तो दूर होगी, तो जो पंचायत विभाग आपके पास था उसके कामकाज से कितनी संतुष्टि आपको है? नहीं देखिए अभी हम लोगों को पूरी तरह से काम करने का अवसर नहीं मिला था, हम कुछ कर पाए ऐसा नहीं है, कुछ सरपंचों का जो डिस्प्यूट था वो खत्म हुआ, खत्म होने के बाद कुछ पावर्स उनको देने की बात आई थी, सिर्फ इतना ही कर पाए थे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ फंड्स कुछ पैसा उनको रिलीज करना था, पुरानी सरकार में हम लोग इतना ही काम कर पाए हैं, जो काम करने का सपन था जो हम लोग करना चाह रहे थे उस पर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। 51 दिन की सरकार में जितना हम लोगों से बेटर करने का सोचा हम लोग उसमें कुछ सक्सेस हुए हैं, मगर अब क्योंकि पूरा वक्त मिलेगा देखते आगे कौन सा विभाग मिलता है और उसमें हम लोग कैसे काम करें। एक आखिरी सवाल है आपसे, जो संकल्प पत्र है आप लोगों का किस तरीके से प्राथमिकता इस संकल्प पत्र को लेकर रहेगी, जो नौकरियों का पहला वायदा था तो आप लोग पूरा कर चुके हैं, 25,000 नौकरी आपने दे दी है, जो संकल्प पत्र के वायदों को लेकर क्या कहेंगे? हमने आज तक जो भी संकल्प लिए उन सबको पूरा किया है, अभी भी 20 संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन 20 के 20 संकल्पों को हम प्रायोरिटी वाइज सबको पूरा करेंगे, क्योंकि एक दिन के लिए सरकार नहीं 5 साल के लिए, 5 साल में 20 के 20 संकल्पों को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे और अपना 100% दे के प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए जो जो भी कदम उठाए जाने होंगे वो तमाम कदम उठाएंगे और जिस तरह की पॉलिसीज और प्लानिंग हमें बनानी होगी हम लोग उस पर काम करेंगे। डांडा साहब का कहना है कि जो संकल्प पत्र है संकल्प पत्र को पूरा करने का काम बीजेपी करेगी। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें तक चंडीगढ़।